प्यारी से बड़ी खबर आपको बता रही, सांसद को झेलना पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को ग्रामीणों ने घेरा। ग्रामीणों ने सांसद को जमकर सुनाई खरी खोटी। सांसद को विरोध में दिखा बैनर और काले झंडे। ग्रामीणों ने क्षेत्र का विकास न करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों को सफाई देते हुए नजर आए संजय जायसवाल। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो मोतिहारी में अब जनता अपने नेता से उनके कामों का हिसाब मांगना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से सांसद संजय जायसवाल को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल सांसद संजय बंजरिया प्रखंड पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर और काले झंडे दिखाकर संजय जायसवाल का विरोध किया और उनको जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक गांव की सड़कें जर्जर हैं, कोई भी विकास अब तक यहां नहीं हुआ है। और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने हाथों में बैनर लिया हुआ है, काले झंडे भी लिए गए हैं। हमारे जो सांसद हैं, ये हमारे हम लोगों के खानदानी नेता हैं। इनके पिताजी भी थे और ये भी हैं, लेकिन अब तक लगभग तीस साल से वो यहाँ पे उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन अब तक उनके हाथ से हम लोग विकास नहीं देखे हैं। सिर्फ वो आते हैं हिंदू मुस्लिम करके, वो लोग वोट लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ गए हैं। रंजीत, संजय जायसवाल को जमकर लोगों का विरोध झेलना पड़ा है, क्या पूरा मामला है? जी, हम बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल जैसे ही बंजरिया प्रखंड के सिसुआ गांव में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, तभी वहाँ के जो ग्रामीण थे, जो उनके पूर्व से भाजपा को वोट देते आ रहे थे, तभी उन लोगों के द्वारा काला झंडा दिखाया गया और बोला गया कि सांसद गो बैक। उसके बाद कितना हूँ सांसद महोदय अपने सफाई देते रहे, लेकिन लोग वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने काफी आक्रोश से और बोले कि नहीं आप वापस जाए। और वापस जाए उसके बाद कितना हूँ वहाँ के जो उनके साथ कुछ नेता लोग भी उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो ग्रामीण थे वह नहीं माने। मजबूर में संजय जायसवाल को फिर विसर्जन होते और जहाँ सभा में जिस कार्यक्रम में जाना था तो फिर दूसरे रास्ते से उसका वहाँ का सभा स्थल पर पहुंचे थे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।